आज गोशामल निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जॉब मेला लगाया गया। इस जॉब मेला पूर्ण रूप से विजय प्राप्त हुआ। हमने पिछले एक हफ्ते से जनता के बीच में जाके हमने उनको समझाया कि इस गोशामल निर्वाचन क्षेत्र के अंदर राजनीति, जो सांप्रदायिकता की राजनीति चल रही, उस सांप्रदायिकता की राजनीति ख़त्म करना और विकास की राजनीति शुरू करना। विकास कैसा बनता भैया, आपको मालूम है, जिस घर में चार जने हैं उस घर में दो बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, तो दो बच्चों को पढ़ाई दो, अगर बड़ा है उसको नौकरी दो, यही संकल्प से अपनी घर उजाला बनता। तो हमने जनता के बीच में गया, जनता को हर चीज़ समझाया गया, फिर जनता ने हमारी बात को मान ली और इस गोशामल क्षेत्र के अंदर आज तक ऐसा जॉब मेला कोई साहस नहीं करा, कोई ऐसा जॉब मेला लगा के नौकरियां दिलाने की कोशिश नहीं करा। पिछले सरकारियां आए, पिछले नेतागिरी है, लेकिन कभी लोगों के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, उनके अंदर उजाला लाना, उनके घर के घर को जो है ना उजाला करना, ऐसा कोई विचारधारा उनके पास नहीं था। केवल राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति चलाते हुए, आदमी को आदमी से लड़ाते हुए, एक दुश्मनी पैदा करते हुए अपनी राजनीति की रोटियां सेक लिए। उन लोगों को मैं चुनौती के रूप में ये कार्यक्रम आज ठहरा हुआ है। आज जनता बोल रही है हमारे को वो राजनीति नहीं है, हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं है गोशामल में, सांप्रदायिक की राजनीति नहीं है आज गोशामल में, क्योंकि सभी जनता आज हुशियार हो गई है, समझ रही है, देख रही है, अनुभव कर रही है। इस क्षेत्र के अंदर अब अपने अपने जो जीवन को कैसा चला लेना हर जनता को मालूम हो चुका है। उसी कारण से आज जो है ना जितने भी यहाँ पर आज हम एक 10 से 15 हज़ार तक लोग आते जा रहे, और ये लोगों इसका पूर्ण उद्देश्य उनको एक ही समझ में आया कि हमारे को नौकरी होना, हमारे को ये सांप्रदायिकता की राजनीति नको, हमारे बच्चे अभी लड़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे आज को जेल को जाएंगे नहीं, आज हमारे बच्चे नौकरी ऑफिसों को जाएंगे, दफ्तर को जाएंगे, कॉलेजों को जाएंगे। वो विचारधारा रखते हुए आज गोशामल में एक पूर्ण रूप से एक बदलाव आ रहा है, उसके लिए मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ, आज मैं बहुत खुशी हूँ। आने वाले दिनों में जो गड्डम गंगाधर यादव फाउंडेशन और गड्डम श्रीनिवास यादव मेरे नेतृत्व में, और इस तेलंगाना की जो मुख्यमंत्री है, जो KTR साहब है, उनकी सहयोग से गोशामल एक अच्छी विकास की ओर बढ़ती है। वो बढ़ाने के लिए मेरे जितना भी प्रयास है मैं करूँगा। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद भाई। मैं अभी बोला आपका काफ़ी है, मैं क्या बोला, सांप्रदायिकता की राजनीति छोड़ दिए लोग, अब अपने घर सीधा कर ले रहे जनता। वहाँ गरीबी बहुत है, वहाँ जो यूथ है उनको नौकरियाँ नहीं है। आज समझ गई उस नौकरियाँ के ढूंढने के चक्कर में, उस नौकरियों की ज़रूरत आज महसूस कर रहे हैं। इसी सोच से आप उम्मीद रख सकते हैं कि अब BJP वहाँ ख़त्म हो गई। BJP करती क्या है, जो भी है यूथ है, जो भी है स्टूडेंट्स है, उनको हिंदू मुस्लिम भगवानों के बीच में लड़ाना, उनको एक सांप्रदायिकता की लड़ाई लड़ा के अपनी राजनीति की रोटी सेक लेना, अपनी काम निकाल लेना, चल जाना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। कोई बोलता मैं वो हूँ, मैं राजा सिंह हूँ, राजा सिंह को एक ही मालूम है मेरा नाम कैसा उभरता, मैं कैसा आगे जा सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ राजा सिंह तो एक 5 फैमिलियों को साथ में ले गया क्या, 5 जने की ज़िंदगी में रोशनी डाला क्या, नहीं। आज राजनीति उसकी ऐसा हो गई, आज हमारे जो दलित बंधु स्कीम है उसके अंदर आते हुए उन्होंने फ़ोटो उतार ले रहा, हमारी जो BC बंधु आ रहा उसका देते वो देते हुए फ़ोटो उतार ले रहा, हमारी डबल बेडरूम आ रही उससे फ़ोटो उतार ले रहा। अरे राजा सिंह के ख़त्म हो गया तुम्हारा राजनीति, मैं आपको 8 साल के नीचे से मैं काम कर रहा हूँ, 2 साल के नीचे बोल दिया, ये राजनीति नहीं चलेगा भाई, तुम पार्टी में भी नहीं दिखेंगे, तुम्हारे को टिकट भी नहीं देंगे, क्योंकि
ऐसा लीडरशिप नहीं पसंद करते हाई कमांड। हमारे को जनता को साथ में लेके जाना है, जनता के जीवन में अंदर एक उम्मीद पैदा करना है, उनके जीवन में एक रोशनी डालना है, उनके जीवन में एक अच्छी सोच, एक विचारधारा को आगे जाके बदला के वहाँ पर उन आर्थिक स्थिति से उभरना है, ऐसा विचारधारा होना है। ऐसा विचारधारा ने हमने जनता के बीच में ले गया, जनता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया। इसी कार्यक्रम से आज हम एक आवाज़ में हजारों लोगों यहाँ पर आए। यहाँ पर हमारी तलसानी श्रीनिवास यादव साहब आए, हमारी बंडा प्रकाश साहब आए। आज श्रीनिवास गौड़ कुछ कल CM का प्रोग्राम है, महबूबनगर में नहीं आ सके, सुबह फ़ोन करे, मैं नया रहूँ, आप काम को अच्छा ले जाओ, लोगों को अच्छा नौकरियाँ दिलाओ, बोल के हमारा श्रीनिवास गौड़ साहब बोला। कारण यहाँ पर हर एक जिना जो भी इस मंच में आया, जो भी इस फंक्शनल को आया नौकरी के लिए, उनको हाथ में नौकरी दिला के ही उनको यहाँ से भिजाएंगे, बगैर नौकरी से नहीं भिजाएंगे। और हमने दोपहर की जो है भोजन गया है, इस भोजन के साथ भी रात हमने 5 बजे बोला, लेकिन कुछ लीडरों के कारण से, उनके स्पीचों के कारण से लेट हुआ, मगर 10 बजे उसी लिए हमने एक बच्चा भी नहीं कहा है, वैसे नहीं कहा के घर को जाए, वैसा हम पूरी इंतज़ाम करें, पूरा हम जो है ना उनको फूड का इंतज़ाम करें, ताकि उन लोग फूड भोजन ले लेके फिर यहाँ रोक सके। और ये कार्यक्रम 8 बजे 9 बजे तक भी चलेगा, और एक ही संकल्प है, हर एक को नौकरी हाथ में पकड़ा के ही यहाँ से भी जाएंगे। थैंक यू।